दिल्ली से संबंध रखने वाले ब्रिज कृष्ण चांदीवाला महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं। वो स्वाधीनता की लड़ाई में महात्मा गांधी के राजनैतिक सहयोगी भी रहे, जिन्हें 1963 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चांदीवाला परिवार दिल्ली के चांदनी चौक में काफी प्रतिष्ठित था। सेंट स्टीवन कॉलेज में अध्ययन के दौरान जब ब्रिज कृष्ण गांधी जी से मिले और उनके विचारों को सुना तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए और उनके प्रबल अनुयायी हो गए। साथ साथ स्वाधीनता संग्राम के सिपाही बनकर गांधी जी के साथ जुड़ भी गए। चांदीवाला गांधी जी से प्रभावित होकर रईसी जीवन का त्याग करते हुए संयमित भोजन करने लगे और खादी के कपड़े पहनने लगे। गांधी जी के दिल्ली में होने पर उनकी सेवा का कार्यभार चांदीवाला ने अपने हाथों में ले लिया और वो गांधी जी के आखिरी पलों तक उनके साथ ही रहे। देश की आजादी के बाद ब्रिज कृष्ण चांदीवाला ने सामाजिक सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया और भारत सेवक समाज और सदाचार समिति के संस्थापक सदस्य बने और फिर बाद में अध्यक्ष बने।